एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि ये बनानी इतनी सिंपल होगी. मैं सोचती थी कि गार्लिक ब्रेड तो घर पहले बन ही नहीं सकती. यू कैन सी वो सारा लिक्विड चीज आया हुआ है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. वेलकम बैक टू हैशटैग कुक विद नंदिनी सीरीज एपिसोड 7. फाइनली मम्मी हम एपिसोड 7 में पहुंच गए हैं और आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड. और मैंने मम्मा को कहा था कि मम्मा हम कुछ इजी रेसिपीज रखेंगे, तो मम्मा ने कहा कि गार्लिक ब्रेड तो बहुत ईजी है बनाना. मुझे तो नहीं लगता ईजी है बनाना, पर मम्मा कहते हैं कि अब आज खुद देख लेना कि बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी, कुछ भी नहीं है इसमें. तो देखते हैं कि कितनी ईजी रेसिपी है ये और फटाफट से देख लेते हैं इस रेसिपी के क्या इंग्रेडिएंट्स है. इसके लिए हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो सीजनिंग, जेलेपिनो चीज, प्रोसेस्ड चीज, बटर, गार्लिक, फ्रेश ईस्ट या ड्राई एक्टिव ईस्ट, स्वीट कॉर्न, 1 कप मैदा, नमक, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और आटा गूंदने के लिए थोड़ा सा पानी. तो करें रेसिपी स्टार्ट. सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे. मैंने लिया है 1 कप मैदा. इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून गार्लिक, ये मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है. नमक, ये टेस्ट के वाइज जाएगा. हल्की सी रेड चिली पाउडर, हल्के से रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो सीजनिंग, बटर को हम डालेंगे मेल्ट करके. हाँ, ताकि लंप ना आए और इवनली ये आटा गूंद जाए. ये 1 से 1.5 स्पून ठीक है बटर है. बटर में भी मैं थोड़ी सी ओरिगैनो सीजनिंग डाल रही हूँ. और कैसा नमक तो डाल ही दिया मैंने. ओरिगैनो सीजनिंग डाल रही हूँ और ये मैंने बटर इसमें डाल दिया. ठीक है, इसको मैंने मिक्स कर लिया. इसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले लो, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर डाला इसमें और इसमें मैंने हल्की सी ब्राउन शुगर डाल ली. ब्राउन डाल लो चाहे आप व्हाइट डाल लो, इससे यीस्ट एक्टिवेट हो जाता है. और हल्का सा नमक डाला, ये मैंने यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए डाला. अब इसमें मैं फ्रेश यीस्ट ले रही हूँ 1/4 टीस्पून ठीक है ना. ये थोड़ा इससे बेटर उसकी परफॉर्मेंस आती है अगर हम ल्यूक वार्म वाटर में इसको करते हैं मिक्स. तो और आप जब ड्राई एक्टिव यीस्ट लेते हो उसको तो बहुत जरूरी है कि चीनी, नमक और उसके साथ उसको एक्टिवेट करना. इसको हम आटे को लगा देंगे, फिर गूंद के रख देंगे मींस, और उसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ेंगे. एग्जैक्ट टू आवर्स के लिए छोड़ना. और आजकल जैसे मौसम थोड़ा ठीक है तो हम माइक्रो में रख देती हूँ मैं. ठीक है, जैसे आगे सर्दियाँ आ जाएंगी ज्यादा तो माइक्रो को पहले थोड़ा प्री हीट कर लेंगे हम, या हम उसके साथ एक ग्लास पानी का गर्म रख देंगे. ठीक है, ताकि उसको थोड़ी गर्माई मिले आटे को. ये मैंने इसमें डाल दिया. अभी तक तो ठीक ही लग रही है रेसिपी, की मुश्किल नहीं लग रही है. ही नहीं मुश्किल. ये मैंने आटा गूंदना स्टार्ट करने लगी हूँ. थोड़ा सा मैंने ल्यूक वार्म वाटर और रखा हुआ, जितना आपको चाहिए आप. अच्छा, गूंदना भी मामा लिक्विड वाटर से ही गूंदना है आटे को. और आटा मामा कैसे रखना है, सॉफ्ट रखना है, हार्ड रखना है? थोड़ा हार्ड ही हो, क्योंकि जब भी इसने फर्मेंट हो जाना ना आटे ने, तो सॉफ्ट अपने आप हो जाएगा. हाँ, तो फिर थोड़ा सॉफ्ट नहीं होता, लचक आ जाती ज्यादा. ठीक है, ऐसे हमने इकट्ठा करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेना. प्रॉपर हाथ नहीं चल रहा ना इनकी, थोड़ा टाइम लग रहा, तो इतना टाइम नहीं लगता. हम मुक्की देंगे इसको, उतना ग्लूटेन बनेगा और वो उतना ज्यादा फूलेगा. पर फिर भी ये फूल जाता है, जैसे बीच में 1 घंटे बाद आप फिर से जब वो हुआ होगा आटा, आप उसको दोबारा से एक बारी मुक्की दे दो तो उतना ही बेटर हो जाएगा. उतना ही बेटर हो जाता है. अराउंड 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगता है, बाकी वो तो आटे की कंसिस्टेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है. उस अकॉर्डिंग देख लेंगे कैसा जाएगा. और अभी से ओरिगैनो और गार्लिक कितनी खुशबू आ रही. आटे को पेड़ा लगा के हम माइक्रो में रख देंगे 2 घंटे के लिए ढककर. यहाँ पे डो हो गया रेडी. 2 घंटे के लिए रख देंगे. ये आटा मैंने 2 घंटे पहले गूंद के रखा था और ये ऑलमोस्ट डबल हो गया आटा. अब हम इसको एक बार, क्या लग रहा था इतना छोटा सा और ऐसे लग रहा कितना ज्यादा. ठीक है, यीस्ट का कमाल है बेसिकली. यीस्ट का कमाल. हाँ, और इसमें आप जैसे कह रहे थे कि लचक भी आ गई. हाँ, है. और ये सॉफ्ट, हमने कितना स्टिफ गूंदा था और अब लचक आ गई. अब हम इसको बेल लेते हैं. नॉर्मल आटा ही यूज कर रहे हैं? मैंने आटा ही यूज कर लेती हूँ. मैदा भी यूज कर सकते हैं? मैदा भी यूज कर सकते हो आप, नॉर्मल चपाती जैसी. हाँ, मैंने ये पूरी चकले के साइज की बेल लेनी है. अब हम थोड़ा सा बटर और मेल्ट करेंगे. हाँ, ये मेल्टेड बटर मैंने एक और लिया स्पून, 1/2 स्पून ऑलमोस्ट. इसमें मैं थोड़ी सी ओरिगैनो सीजनिंग, थोड़ा सा गार्लिक और चिली फ्लेक्स मिक्स कर रही हूँ. आप व्हाइट बटर की जगह पे येलो बटर भी ले सकते हो. हमने व्हाइट बटर यूज किया मामा? मैंने व्हाइट किया. मैं इसमें नमक नहीं डाल रही क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी नमक डाला हुआ है. अब इसको मैं स्प्रेड कर देंगे उसको. हाँ, पूरा. पर ये ध्यान रखना मैंने ये साइड्स पे नहीं लगा रही, क्योंकि नहीं तो बंद नहीं होगी वो ब्रेड ना. हाँ, वो ऑयल के कारण. हाँ, इसके एजेस को, क्योंकि हमने इसको अच्छे से बंद करना है एजेस को, तो एजेस पे नहीं लगाएंगे. एजेस पे नहीं लगा रही, सेंटर में मैंने लगा दिया. अब इसमें मैंने ये जो चीज किया हुआ है और ये जो कॉर्न है, थोड़ा सा मैंने कॉर्न लगा दिया.
थोड़ा सा मैंने चीज लगा दिया, चीज लगा दिया, ये चीज लगा दिया हमने, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाया। मैंने जलेपिनोज लगा दिया, अगर किसी की ओलिव्स की लाइकिंग है तो वो ओलिव्स भी लगा सकते हैं। अब हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया ब्रेड को, तो मैं फॉइल पे रखने लगी इसको, ब्रेड को ना उठा के। ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। अब हम फोक के साथ इसको मैं डिजाइन देने लगे साइड पे। पापा डोमिनोस साइड वाली शेप आ गई है। मैंने फिर से ये बटर की कर दी है जो हमने वो पहले अंदर लगाई थी, बाहर भी लगा देंगे और हल्के हल्के मैं इसके ऊपर कट्स लगाने लगी हूं। बहुत स्लाइड से मैंने कट किया इसको। इसको हम अब बेक करने लगे हैं। आप चाहो तो कढ़ाई में नीचे नमक डाल के इसको 15 से 20 मिनट गैस पे भी ढककर बना सकते हो, पर हम ओवन में बना रहे हैं। मैं ओवन में बना रही हूँ। आप कढ़ाई में नमक रखो, उसके ऊपर प्लेट रखो, प्लेट के ऊपर गार्लिक ब्रेड को रखो और 15 से 20 मिनट में वो भी बन जाती है स्लो पे। पहले नमक गरम कर लो। अब हम 180 डिग्री पे इसको मैंने कर लिया सेट और बेक मोड पे कर लिए और 15 से 20 मिनट हम इसको बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर 180 पे सेट कर दिया है, बेक मोड कर दिया है और 15-20 मिनट हम इसको बेक कर लेंगे। अराउंड 7-8 मिनट्स हो गए हैं और हमारी ब्रेड फुलना भी स्टार्ट हो गई है। इतना अच्छा रेज आ गया ना मम्मा ब्रेड में। ये ब्रेड हो गई हमारी रेडी। आपको पता लग जाएगा टेक्सचर से, ये बाहर से हार्ड हो गई है देखो। हाँ, बहुत क्रिस्पी हो गई है यार। हार्ड हो गई है। और ये देखो, ये बैक से भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये हमारी गार्लिक ब्रेड की। खैर ये स्वाद ही होनी है, मैंने 2-3 बार मम्मा से खाई हुई है, बहुत टेस्टी होती है। पर खैर आप देखते हैं, एक्चुअल में मुझे नहीं पता था कि ये बनानी इतनी सिंपल होगी। मैं सोचती थी कि गार्लिक ब्रेड तो घर पहले बन ही नहीं सकती, फिर मम्मा बनाते थे तो आई थॉट कि मम्मा बना लेते हैं, वैसे तो नहीं बन सकते। चलो खा के देखते हैं कैसी बनी है। इसमें प्रॉपर स्टफिंग आई हुई है जो हमने चीज यूज किया है, जलेपिनो है। ये मुझे केचप के साथ लेनी पसंद है, यू कैन सी वो सारा लिक्विड चीज आया हुआ है। इसमें भी आप मोज़रेला चीज़ जिसकी लाइकिंग है वो मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं। ये तो सेम वही ऑथेंटिक टेस्ट है मम्मा का जो हमेशा होता है गार्लिक ब्रेड में, इतना सा भी चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्ट। डोमिनोज की ज़्यादा अच्छी है कि ये? आई प्रेफर दिस वन, ये ज़्यादा यम्मी बन गई। मेरी यम्मी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट डाउन कीजिए कि आपको रेसिपीज कैसी लगी और मुझे इंस्टा पे टैग करना मत भूलिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए बाय बाय, मैं अपनी रेसिपी एंजॉय करने लगी हूँ और आपको मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट थर्सडे। बाय बाय।